और मेरे को तो कुछ भी हो सकता था, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे दो स्टंट डले हुए हैं, मेरे को बल्कि जान से मारने की धमकी तक दी, और कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को हक नहीं है, आज कुछ भी हादसा हो सकता था। और अपने साथ एक गुंडा और लेके आया हुआ था, जिसको मेरे को तो जान से मारने की धमकी दी उसने कि मैं बाहर निकलूं, हो सकता वो अपने गुंडों से मेरे को मरवाए, उसने आज आके गुंडा कर दी और इस तरह का जो माहौल यहाँ पे किया, कुछ नहीं करते इसीलिए तो इसकी पेमेंट नहीं हो रही, अगर हम भी उनकी तरह से आ जाते तो कुछ भी हादसा हो सकता था। हम आपको बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर विस्तार से बताएं, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। और तस्वीरें दिखाने के बाद आपको नपियो की एक बाइट सुनाएंगे कि किस तरीके से वो खौफ के साए के अंदर है। और अपने साथ एक गुंडा और लेके आया हुआ था, जिसको मेरे को तो जान से मारने की धमकी दी उसने कि मैं बाहर निकलूं, हो सकता वो अपने गुंडों से मेरे को मरवाए, उसने आज आके गुंडा कर दी और इस तरह का जो माहौल यहाँ पे किया, कुछ नहीं करते इसीलिए तो इसकी पेमेंट नहीं हो रही। जी हाँ, हम आपको पूरा मामला विस्तार से बताएंगे, लेकिन आपको बताएं ये सफाई कर्मचारी देखिए नारेबाजी कर रहे हैं और करते हुए यानी कि जिला मुख्यालय पर पहुंच रहे हैं जिला उपायुक्त को ज्ञापन देने के लिए। आप समझ रहे होंगे ये अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मी जा रहे हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं है अपनी मांगों को लेकर के नहीं जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है, और पहले उससे पहले आप सुनिए ये बाइट, एक बार पूरा इंटरव्यू आपको सुनाते हैं नपियो मनोज यादव का, किस तरीके से वो खौफ के साए के अंदर है, फिर हम पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे। कुशनी जी एक ठेकेदार है हमारा हॉर्टिकल्चर का, उसका काम बिल्कुल संतोषजनक नहीं है, बहुत गलत तरीके से वो काम ही नहीं करता, बहुत पब्लिक की शिकायत इस बारे में प्राप्त हो रही थी। हमारे जो अध्यक्ष महोदय, उन्होंने शुक्रवार को ही एक टीम गठित की है जिसमें पार्षद हैं, हमारे एक्शन साहब हैं, CSI हैं, कि ये कमेटी जो है ना इनके कार्य को देखेगी और जो कार्य ठीक होंगे उनके हिसाब से भुगतान किया जाएगा। लेकिन उसने आज आके गुंडा कर दी और इस तरह का जो माहौल यहाँ पे किया, मेरे को बल्कि जान से मारने की धमकी तक दी और मुझे गेट में घुसने नहीं दिया, तो इस तरह से उसने गुंडा कर दी कि अगर मैं गलत हूँ तो मेरे से ऊपर उच्च अधिकारी हैं, उनको शिकायत की जा सकती थी, जो कानूनी प्रक्रिया थी उसको अपनाया जा सकता था, कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को हक नहीं है, आज कुछ भी हादसा हो सकता था, कुछ नहीं करते इसीलिए तो इसकी पेमेंट नहीं हो रही, मतलब ये वो गलत काम करके ऊपर से सीना चोरी, मतलब आज ये तो हमने शांतिपूर्वक काम किया, अगर हम भी उनकी तरह से आ जाते तो कुछ भी हादसा हो सकता था, बैठ के ऐसी कोई बात ही नहीं थी जो बैठ के करने लायक हो। हमने उनको स्पष्ट बता रखा कि तुम्हारा काम संतोषजनक नहीं है, हमारे अध्यक्ष महोदय ने एक कमेटी बना दी इसके लिए कि ये कमेटी सबकी जांच करेगी और उसके बाद इसके बिलों को भुगतान कर देंगे। नाम क्या है उनका जिन्होंने? शीशराम। और अपने साथ एक गुंडा और लेके आया हुआ था, जिसको मेरे को तो जान से मारने की धमकी दी उसने, और मेरे को तो कुछ भी हो सकता था, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे दो स्टंट डले हुए हैं, अगर मैं धीरज ना रखता तो मेरे साथ कुछ भी हादसा हो सकता था, और मुझे अब भी जान का खतरा है कि मैं बाहर निकलूँ, हो सकता वो अपने गुंडों से मेरे को मरवाए, जबकि मुझे तो आए हुए एक महीना ही हुआ है, आज तक मैंने उससे कोई बात नहीं की है, कोई टेलीफोन नहीं किया उसको, उसके कोई बिलों पे मेरा कोई ऐतराज़ नहीं है। भाई मैं हूँ, मेरे कार्यकारी अधिकारी है, दूसरा स्टाफ है, अगर हम लोग काम नहीं करते तो एक प्रक्रिया है पूरी, अध्यक्ष महोदय को शिकायत कर सकते हैं, अध्यक्ष महोदय सुनवाई ना करें तो DMC साहब के पास शिकायत हो सकती है, डायरेक्टर साहब के पास शिकायत हो सकती है, मतलब ये तरीका थोड़ी है कि अपने कानून अपने हाथ में ले लेंगे। तो आपने सुना नपियो मनोज यादव का ये पूरा बयान, अब हम आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। जी हाँ, नगर परिषद में ठेकेदार है हॉर्टिकल्चर का, जी हाँ, उसका कुछ पेमेंट बचा हुआ था, लेकिन आज उन्होंने अपने बहुत सारे साथियों के साथ मिलकर के नपियो की गाड़ी को नगर परिषद के गेट पर ही रोक लिया, और तस्वीरें आप देख सकते हैं, उनके साथ नारेबाजी करने लगे, मारपिटाई करने लगे, गाली गलौज करने लगे, वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं, आप एक बार सुनिए किस तरीके से यानी कि एक अधिकारी पर जानलेवा हमला किया जाता है, उसको धक्का मुक्की की जाती है, गाड़ी से बाहर निकालकर मारने की बात की जाती है, तो आप एक बार ये भी सुनिए। हालांकि हम आप इसमें आपको दिखा रहे हैं वॉइस है पूरी, इसके अंदर वीडियो कहीं नहीं बन पाया है, क्योंकि डर इतना बड़ा था कि जो EO के साथ थे हरकेश यादव वो इसका वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन ऑडियो इसके अंदर पूरा आ गया है, आप इसको ध्यान से सुनिए। चोर 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 चोर
तो आपने सुना, अब आपको बताते हैं आखिर मामला क्या है। मामला ये है कि ये नगर परिषद का ठेकेदार है शीशराम, और हॉर्टिकल्चर का को ठेकेदार बताया जा रहा है। इसका काम है यानी कि जो पार्कों के अंदर पेड़ पौधे लगाने का है, फूल वगैरह लगाने का है, इसका काम है। इसका कुछ पेमेंट रुका हुआ था, लेकिन ठेकेदार की आप हिमाकत देखिए, हिम्मत देखिए अपनी पेमेंट निकलवाने के लिए। वो कितनी सारी महिलाओं को साथ लेकर के जो वह पहुंच गया नगर परिषद के तमाम कार्यालयों में, एक एक कार्यालय में वो घुसा है, वहां जाकर के नारेबाजी की है। तमाम जो नगर परिषद के अधिकारी है उनको गाली गलौज वहां पर बका गया है, और किस तरीके से जो हमने अभी आपको वीडियो सुनाया उसमें भी आप सुन सकते हैं। और इस ठेकेदार ने किस तरीके से महिलाओं को आगे कर दिया, तो आप समझ सकते हैं एक ठेकेदार के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं। जी हाँ, कि आज नगर परिषद के अधिकारी भी, नपीओ भी सुरक्षित नहीं है। साथ के अंदर आपको इस चीज से अंदाजा हो गया होगा कि रेवाड़ी के अंदर, प्रदेश के अंदर किस तरीके की कानून व्यवस्था है। एक ठेकेदार की आप हिमाकत देखिए कि सीधा वो नगर परिषद में घुसता है काफी सारे लोगों के साथ, और निशाने पर लेता है नप अधिकारियों को, यानी कि उनको यानी कि मारने तक की पूरी कोशिश की जाती है। हालांकि नपीओ ने इसके खिलाफ FIR भी कटवाई है, पुलिस को भी शिकायत दे दी है। कार्रवाई क्या होगी वो अभी बात की बात होगी, लेकिन आपको बताया कहीं ना कहीं जो नगर परिषद के अधिकारी हैं वो इस वक्त पूरी तरीके से दहशत के अंदर हैं, कि कहीं ना कहीं डर है उन लोगों को कि कब कौन आकर के उन पर जानलेवा हमला कर ले। जबकि नगर परिषद के EO मनोज यादव हार्ट पेशेंट है, और इस तरीके की हिमाकत एक पेमेंट के लिए उनके साथ करना कितना जायज है। तमाम चीजें यानी कि बैठ करके बात हो सकती थी, लेकिन किस तरीके से उसको निशाने पर लिया, नगर परिषद के अंदर पहुंच करके ठेकेदार ने पूरा कोहराम मचाया। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं एक बार ठेकेदार का भी हमें बयान मिल जाता, प्रयास किए जा रहे हैं, ठेकेदार से भी अपील करते हैं कि वो भी अपनी बात HR न्यूज के कैमरे पे रख सकते हैं। उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, ना ही उनका कहीं से हमें नंबर मिल पा रहा है कि हम उनसे बात कर पाए। तो हम ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ठेकेदारों के हौसले बुलंद हो गए हैं कि वो अधिकारियों को भी अब निशाने पर ले रहे हैं। तो सीधा सीधा अधिकारियों को जान से मारने की कोशिश यानी कि जो की गई है, किस तरीके से घेराव करके उन पर दबाव बनाया जा रहा है, डराया और धमकाया जा रहा है, ये अपने आप में सरकार के शासन की पोल खोलता है। तो ये खबर आपको हमने जो दिखाई है, किस तरीके से अधिकारी दहशत के अंदर है, इसको लेकर के बड़े प्रशासनिक अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं वो अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बार फिर हम आपको बयान सुनाते हैं नगर परिषद के अधिकारी का और उन सफाई कर्मियों का जो अब इस पूरे मामले को लेकर के ठेकेदार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ऐसे ठेकेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि ये सफाई कर्मी हैं नगर परिषद के, इनमें गुस्सा है कि किस तरीके से एक अधिकारी पर जानलेवा हमला किया गया, उसको लेकर के जितने भी सफाई कर्मी हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं। देने जा रहे, क्या मामला है? मामला एक शीशराम ठेकेदार है जिसने पार्कों का ठेका ले रखा सफाई का। आज उसने अपने कर्मचारियों के साथ आके नगर परिषद कार्यालय में EO साहब व नगर परिषद में जितने बाबू वगैरह कर्मचारी हैं उनके साथ बदतमीजी की, हाथापाई की और गाली गलौज की। तो अब आप कहाँ जा रहे हैं? अब हम उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि इस ठेकेदार का लाइसेंस रद्द किया जाए, ना तो इसके पास इतने कर्मचारी है कि पूरा काम कर सके, ऊपर से ठोंडर खाई और बदमाशी दिखाता है। तो आपको क्या लगता है ठेकेदार मतलब प्रशासन से ही काम लेके उन्हीं के ऊपर बोल रहे हैं क्या? हाँ, उन्हीं के ऊपर बोल रहे हैं। कोई अभी हमने पता कराया हिसाब से कि ना तो कोई उसके उस टाइम का पेमेंट का कोई रुका उड़ा कर, लेकिन पता नहीं क्या बात है उसके दिमाग में, क्या कुछ लिए काम तो हम करते हैं, गुंडागर्दी अपना रहे वो पार्कों में काम हमारे सफाई कर्मचारी करते हैं। पता नहीं किस चीज का ठेका दे रखा है, और फिर उनके कर्मचारी मात्र नाम मात्र कर्मचारी है। उनकी जांच होनी चाहिए, पूरे बिल्कुल जांच होनी चाहिए, ठेकेदार की जांच होनी चाहिए। उस ठेकेदार ने कितने कर्मचारी रख रखे, कितने नहीं रख रखे, और बदतमीजी के कारण उसको उसका लाइसेंस रद्द किया जाए। हमारी ये मांग है मेन, तो उसका लाइसेंस रद्द किया।